मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। शिर्क फिल इबादत या शिर्क फिल हुकूक, अल्लाह के हुकूक के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है? इबादत। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि मेरी इबादत करें। अब इबादत में शिर्क अगर होगा तो ये शिर्क की तीसरी किस्म हो जाएगी। इबादत में शिर्क से मुराद क्या है इसको समझिए। यह मैं पहले बयान कर चुका हूं, इबादत किसे कहते हैं। इबादत के दो जुज समझ लीजिए। जैसे एक मेरा ये जिस्म है, एक इसमें रूह है। रूह नजर नहीं आती, नजर जिस्म आता है, लेकिन इस जिस्म का सारा वजूद उस रूह से है। चलिए रूह को छोड़े, जान, जान क्या, आप किस बला का नाम है, किसी को नजर आई आज तक? लेकिन ये जान ही है जो इस जिस्म को कायम रखे हुए है। इसी तरह इबादत का एक जिस्म है, एक जान है। जिस्म क्या है? इताअत, अल्लाह की बंदगी। हमा तन बंदगी, हमा वजू बंदगी, हमा वक्त बंदगी, ये तो बयान कर चुका ना। और रूह क्या है? मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। इताअत जबर से की जाती है तो वो इबादत नहीं कहलाती। अंग्रेज की इताअत हम करते थे ना, लेकिन क्या इबादत करते थे? बात समझ में आई? इताअत तो कर रहे थे, इबादत नहीं। इबादत उस इताअत को कहते हैं जो किसी हस्ती की मोहब्बत से सरशार होकर हमा वक्त, हमा तन, हमा वजू की जाए। तो जसद जाहिरी क्या है इबादत का? इताअत। और रूह क्या है? मोहब्बत। अब इन दोनों के एतबार से शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, इसको समझ लीजिए। और ये है वो चीजें जो मैंने अर्ज किया था कि बिल्कुल अलजेब्रा के फार्मूलों की तरह की बात है। इताअत में तौहीद क्या है? कि मुताए मुतलक सिर्फ अल्लाह, ठीक, बाकी सारी इताअतें अल्लाह की इताअत के ताबे। नफी नहीं है, वालदेन की इताअत करो, लेकिन जहां वालदेन हुक्म दे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, बात खत्म, इताअत नहीं होगी। बीवी शौहर की इताअत करे, आप उलुल अम्र की इताअत करें, शागिर्द उस्ताद की इताअत करें, मुरीद पीर की इताअत करें, लेकिन क्या पीर को यह भी हक है कि अल्लाह के किसी हुक्म को मनसूख कर दे, रसूल के किसी हुक्म पर अपने हुक्म को वर करे, बाला तर रखे? समझ में आ गया? उसूल क्या है? कि इताअत मुतलक, अनकंडीशनल, अनलिमिटेड ओबीडियंस इज ड्यू ओनली टू अल्लाह। All the other obediences are limited by his injunctions. इसको हुजूर ने कैसे बयान किया? ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी जिसमें खालिक की मासियत लाजिम आ रही हो। जहां अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है, आप मेरा हुक्म मान लीजिए, ये शिर्क नहीं होगा। जहां अल्लाह का हुक्म है उसके खिलाफ मैं हुक्म दूं और आप मान ले तो ये शिर्क हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर कीजिए। पहले अल्लाह का हुक्म क्या है? फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। नफ्स का हुक्म क्या है? सो। आपने इताअत की नफ्स की, आपका मुता कौन हुआ? नफ्स। और अल्लाह की मासियत में हुआ कि उसके हुक्म के ताबे हुआ? तो आपका नफ्स क्या बन गया? आपका खुदा, माबूद। या गलती है इसमें कोई? इस शिर्क को पहचानिए जरा, कौन बचेगा अब? बात समझ रहे?
अगर तो वो फार्मूला सही है तो फिर ये अप्लाई हो गया। अब आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, या ये सोचिए कि फार्मूले में गलती है। यू कैन रेफर बैक, आइए दोबारा देखिए, फार्मूला सही है। ला ताअत अल मखलूक, मेरा नफ्स मखलूक है कि खालिक है? मखलूक। मैंने अपने नफ्स की इताअत की अपने खालिक की मासियत में, तो मेरा मुता कौन हुआ? नफ्स। जो मुता है वही माबूद है, मेरा माबूद कौन हुआ? नफ्स। इसको कहते हैं मौलाना रूम, नफ्स मां हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन उरा ऑन ईरा ऑन नीस्त। मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है। फिरौन ने क्या कहा था कि ये ममलकत मेरी है मिस्र की, यहां मेरा कानून चलेगा। अलैसली मुल्को मिस्र, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है? मैं नहीं जानता कौन अल्लाह कौन रसूल, क्या हुक्म सही क्या गलत, मेरा हुक्म चलेगा। तो मेरा नफ्स भी तो यही कहता, मैं नहीं जानता क्या अल्लाह का हुक्म क्या रसूल का हुक्म, मेरी मर्जी पूरी करनी पड़ेगी, मेरी ख्वाहिश मेरी चाहत मेरी तमन्ना वो पूरी करनी पड़ेगी। और हम हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो जाएं कि भाई ठीक है जो तेरी मर्जी, अल्लाह की मर्जी पीछे तेरी मर्जी पहले, तो माबूद कौन हुआ? नफ्स से मा हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन उरा ऑन नीरा ऑन नीस्त। ठीक, कुरान से सनद चाहिए। कुरान ने फरमाया अरायता मनि तखजा इलाहु हवा हो, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना रखा है? इलाह का लफ्ज वो है जो आपके कलमे तैयबा में है, कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह और तस्बीह पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब फारिग होता है तो नफ्स को फौरन माबूद बना लेता है। अरायता मनि तखजा इलाहु हवा हो, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने बना लिया अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद। अच्छा, इसी को मैं अब टॉप पर ले जा रहा हूं, दरमियान में फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा। ये मैंने कहा था इंडिविजुअल में, अब आइए कलेक्टिव लाइफ जो है कौमी जिंदगी, उसमें सबसे ऊंची चीज क्या होती है? किसी भी रियासत का दस्तूर। दस्तूर में क्या बात तय होती है? अव्वलीन के हाकमियत किसकी है। ठीक, अगर आपने कहा जमहूर की हाकमियत है, किसी ने कहा फला खानदान की हाकमियत है, क्या हुआ? ये हुआ कि नहीं? घबरा क्यों रहे हैं? पकड़े नहीं जाएंगे, बात तो सही कहिए। कुरान क्या कहता है? इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुरान की आयत है कि नहीं? यह नहीं है कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, तुम्हारा इख्तियार है, तुम कानून साजी कर सकते हो, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ द इंजंक्शंस ऑफ द कुरान एंड द सुन्नत। अगर तुमने हाकमियत मुतलका का दावा किया, जो चाहूं हुक्म दूं, जो चाहे हम कानून बनाए, तो यह हाकमियत मुतलका है, और यही इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क है। कबर परस्ती का शिर्क सबको मालूम, यह शिर्क नहीं मालूम। जमहूरियत इन इट्स एसेंस इस दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क है इस दौर का। ह्यूमन सॉवरेंटी इन एनी फॉर्म इंडिविजुअल है तो शिर्क, अगर वो पॉपुलर सॉवरेंटी है तो शिर्क, कोई फर्क नहीं वाकई होता। इकबाल ने ऐसी बातें जो कही हैं वो असल में इस दौर के शिर्कों को पहचाना इकबाल ने, इसलिए कि इस दौर के फलसफों को उलमा ने पढ़ा नहीं, वो सतही तौर पर जो अल्फाज हैं उनसे कुछ बात समझ लेते हैं, गहराई में उतरकर फलसफा क्या है, हाकमियत किसे कहते हैं, जमहूरियत किसे कहते हैं, जमहूरियत इज पॉपुलर सॉवरेंटी नो लिमिट्स, जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है
عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنائیں، وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے اختیار ہے، دو مردوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے لائسنس دیں رہنے کے لیے، لیگل لائسنس، جائز ہے، قانون ان کا مرضی ہے جو چاہے بنائے، دے ڈونٹ ایکسپٹ اینی لمیٹیشن ٹو دیئر لیجسلیٹو اتھارٹی، وی آر سوورن، کیا مطلب، ہم جو چاہے قانون بنائیں، یہی تو شرک ہے۔ کیا کہا اقبال نے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے، کیوں گھبراتے ہو جمہوریت و عمومیت سے، وہی بادشاہی ہے، ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے۔ پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا فرعون، اب ساری قوم فرعون ہے۔ وہ فرعون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بناؤں، I don't accept any limitation to my authority. Well, I am the sovereign. آج عوام کہتے ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ دو ٹن گندگی تھی، وہ ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ماشا ماشا سب کو بانٹ دی، تو گندگی رہے گی، شرک تو شرک رہے گا، کوئی فرق نہیں نوعیت کے اعتبار سے۔ ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز، اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کر رہا ہو۔ داؤد بادشاہ تھے کہ نہیں، سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں، جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز، بشرطے کہ جمہور یہ تسلیم کر لیں کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے، اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی۔ اسلامی بادشاہت تھی داؤد کی اور سلیمان کی، اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے، آج تک تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی، تو گویا کہ عوام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشا ہوا ایک بت ہے، وہ فرد ہو یا عوام ہو قوم ہو۔ ہاں اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا، یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے دوسری چیز، محبت میں توحید کیا ہے، توحید فی المحبہ۔ یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، والدین اولاد سے کریں، اولاد والدین سے کرے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر، یہ ہے توحید۔ کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک، اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اونچی ہو گئی تو، اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے، ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے نا، برابر ہو گئی تو شرک ہے۔ ہاں ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع۔ توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد، اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے۔ یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، بیٹے سے کرو، اولاد سے کرو، مال سے کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے، وطن کی محبت، قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے۔ جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی، یہ شرک فی المحبت، اور محبت روح ہے عبادت کی، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت۔ فارمولا ہے نا، اب اپلائی کیجئے ذرا۔ آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے، رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے، حرام ہے، لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر
आपने ले ली। महबूब तर कौन है, अल्लाह या माल? नहीं, इस मामले में कौन है, वो तो माल है ना। मुश्किल है, मानना मुश्किल है। वो तो चाहते हैं शिर्क के मौजू पे तकरीर हो, तो बस वही दो चार मसले जो हैं उन्हीं पर धुआंधार तकरीर होनी चाहिए, हमें कोई ना छेड़े। बराहीमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हविस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। बाहर के बुत आप तोड़ देंगे, ये अंदर जो बुतखाना आबाद है उसे कौन तोड़ेगा। माल महबूब तर हो गया अल्लाह से, तो आपका माबूद हकीकतन कौन है? माल। आपको क्या कहा जाना चाहिए? जरपरस्त। दावा क्या है? खुदा परस्ती का, हकीकत में है जरपरस्त। और अगर दलील चाहिए तो हुजूर का फरमान, तायसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, हलाक हो जाए या हलाक हो गया दिरहमो दिनार का बंदा। कौन है दिरहमो दिनार का बंदा? जिसके लिए दिरहमो दिनार इतने महबूब हो जाएं कि वो उसके लिए अल्लाह के अहकाम को तोड़ दे, तो वो किसकी बंदगी कर रहा है? दौलत की। नाम क्या है? अब्दुल रहमान। हकीकत में क्या है? अब्दुद्दीनार। नाम तो रखना आसान है, मां बाप ने रख दिया। ये मोहम्मद फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, दिरहम और दीनार का बंदा। लफ्ज़ अब्द ठीक है, अब अपना जायजा ले लीजिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने अंदर झांकें कि शिर्क कौन कौन से है, कहां कहां है। हम इस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।